कोरोना महामारी के कारण पहले से ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहे मजदूरों को फरीदाबाद में बड़ा झटका लगा। हरियाणा की सबसे बड़ी कंपनी जेसीबी ने करीब 1000 लोगों को नौकरी से निकालने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसे लेकर पिछले 10 दिनों से मजदूर कंपनी के बाहर 38 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हैं। मजदूर बार बार नौकरी से निकाले जाने का कारण पूछ रहे हैं, मगर कंपनी प्रबंधन मजदूरों से बात भी नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार आह्वान के बाद भी फरीदाबाद में कुछ कंपनी प्रबंधक अपनी मनमानी कर लगातार अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप में पसीने से तरबतर हाथों में विरोध और मांग स्वरूप पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे ये फरीदाबाद की जेसीबी कंपनी के मजदूर हैं, जिन्हें कंपनी ने एक महीने का नोटिस थमाकर नौकरी से निकाल दिया। मजदूर रोजाना कंपनी आते हैं, प्रबंधन से कारण पूछते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। मजदूरों की माने तो कंपनी बराबर चल रही है। पिछले साल की अपेक्षा लॉकडाउन होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा प्रोडक्शन निकाला है। उसके बाद भी प्रबंधन मंदी की दुहाई देकर मजदूरों को बाहर निकाल रहा है, जबकि सच तो ये है कि प्रबंधन कंपनी को जयपुर ले जा रहा है, इसीलिए करीब 1000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है जी, और बिना इन्फॉर्मेशन के निकाला गया है। और जैसे हम लोग लॉकडाउन में घर पे थे और घर पे ही मैसेज भेज दिया गया कि आपको 1 जुलाई से ये क्या बोलते हैं फुल एंड फाइनल मिल जाएगा। तो क्या वजह है जो इतने कर्मचारियों को कंपनी से निकाल वजह कुछ नहीं है, यहाँ से जयपुर कंपनी ले जा रही है, प्रोडक्शन वहाँ जा रहा है जी, वजह और कुछ नहीं है। वजह इस 20 महीने की प्रोडक्शन 2160 गाड़ियों का है जी, ये नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन नहीं है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इस बीच कंपनी प्रबंधक से बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, अब तो पानी पीने से भी मना कर दिया इन लोगों ने। तो सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हाँ जी, अब हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब बीमार होंगे उनको इलाज कैसे कराएंगे कोरोना काल में। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सैलरी की बात आ रही है, कितने महीने की सैलरी है उसमें? क्या चीज़ सैलरी की जो बात आ रही है, कितने महीने की सैलरी आपकी रुकी हुई है? हमारी सैलरी जून महीने तक जुड़ी हुई है। तो इस कंपनी में हमारे 104 साथी को कंपनी ने निकाल दिया है और प्लस में कम से कम 300 और लोगों को निकाल दिया है। लमसम जो आइडिया लग रहा है कि 700 लोगों के निकालने की बात चल रही है। हम लोगों को बिना हमें एक दिन भी सोचने का मौका नहीं दिया। हमारे पास एक मैसेज आया कि आप नोटिस पीरियड में चल रहे हैं और आपको कंपनी बाहर निकाल दी है। जब हमने पूछा हमें क्यों निकाला गया है, हमारे निकालने क्या वजह है, तो कोई भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई भी बंदे हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। क्या वजह जो इतने कर्मचारी को एक साथ निकाल दिया गया, वही हम पूछना चाह रहे हैं। हमें कोई नहीं बता रहा, बस ये बता रहा है कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन अंदर कंपनी में डेली मशीनें बन रही है और सब चीज़ें बिल्कुल सही चल रहा है। तो क्या कंपनी प्रबंधक से बात नहीं हुई अभी? कोई भी हम लोगों से बात नहीं कर रहा है, ना तो कोई हमसे मिलने आ रहा है। हम लोग डेली धूप में खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ही एक बंदा जो ऐसा है, जो अभी कुछ दिन पहले बेहोश होकर गिर गया था, फिर उसके बाद अंदर जेसीबी वाले हमें पानी भी नहीं पिला रहे और बोल रहे हम पानी भी नहीं देंगे, जबकि हम लोग अभी नोटिस पीरियड में 2 जुलाई तक। लेकिन तो आप कितने समय से काम कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग मैं यहाँ पर 2006 से काम कर रहा हूँ और हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको 24 साल भी हो चुका है, जो हमारे साथ ही हैं। सैलरी ना मिली है, वो उस बात को ले कितने महीने की सैलरी हमें सिर्फ इस महीने की मिल रही है, जून तक की। उन्होंने बोला है जुलाई से कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और हमने बात करने की, हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। हम कई बार इनको बोल रहे हैं कि हमसे सर मिलिए, हम कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, हमसे कोई नहीं बात कर रहा, ना हमारा कोई फ़ोन उठा रहा है। अंदर कितने मजदूर हैं जो कंपनी के? हम लोग 104 है, जो हम लोग जिस ग्रुप में थे हम लोग 104 बंदे थे, ठीक है। अदर ग्रुप्स के और भी बंदे हैं, वो लोगों को 6 महीने की तनख्वाह दी है, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कंपनी ने बिना बात करे, बिना हमें इन्फॉर्म करे, एक मैसेज के थ्रू हमें कंपनी से निकाल दिया है। उसमें बस इतना ही लिखा था कि आपको एक महीने का नोटिस पीरियड है और कंपनी ने निकाल दिया है। कंपनी प्रबंधक कोई भी हमारे से बात नहीं कर रहा है, हमें दरवाजे के अंदर नहीं जान दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है कि एम्प्लॉयज़ को 6 महीने की सैलरी देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हमें बात नहीं करी गई है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हम यहाँ लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनी का कुछ कहना यह है कि हमारे यहाँ पीछे से काम नहीं है, लेकिन ये सब बातें झूठ हैं। पिछले साल की आप बात करेंगे, मई के महीने में जो प्रोडक्शन थी और इस कोरोना के टाइम में मंदी में जो मई की प्रोडक्शन है, पिछले साल से भी ज़्यादा है। सारी मशीनों को ये जयपुर लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सारी मशीनों को जयपुर लेके जा रहे हैं, सारा काम जयपुर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है, अंदर सारा काम चल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा किया गया है। कुल मिला के 1000 कर्मचारियों को सुनने में आ रहा है यहाँ से निकाला जाएगा। पुणे से 2000 लोगों को निकाला गया है। तो कोई कंपनी प्रबंधक ने कोई आश्वासन, कोई बातचीत करी है? कोई आश्वासन नहीं दिया है। अब इनसे हम इन्हें यही कह रहे हैं कि सर आने वाले 6 महीने तक हमें कहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी,
तो हम कैसे घर चलाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर में क्या खाना खाएंगे हम। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ऐसे समय में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे समय में आप खुद देख सकते हैं कि JCB जैसी कंपनी जो हरियाणा में सबसे बड़ी कंपनी है, इतने लोग उसमें काम करते हैं। सोचिए कि अगर 1000 कर्मचारियों को भी यहाँ से निकाला जाता है, पर घर से 5 बंदे हैं, तो सोचिए कितने परिवार ऐसे भूखे मरेंगे। आप सोचिए पूरे इंडिया से। क्या कंपनी प्रबंधक से कोई बात नहीं है आपकी? सर, कोई कंपनी का प्रबंधक हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम उन्हें कह रहे हैं कि सर हम कैसे 6 महीने सर्वाइव करेंगे, हमारी जॉब कैसे लगेगी, तो सोच वो हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लगातार 10 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं सुन रहा। यहाँ हैरानी इस बात की होती है कि जब कोरोना काल के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल निजी उद्योगपतियों से अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाले जाने की अपील कर चुके हैं, ऐसे में मंदी की बात कहकर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकालने पर आमादा हो गई है। ऐसे में इन्हें मानवता का भी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को अब आसानी से किसी दूसरे स्थान पर नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से अब ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या योजना बनाई जाती है। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।